हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरपीसीजी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एलडीसी एग्जाम 2018 में संपन्न हुए उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो आज का प्रथम पेपर 12 अगस्त प्रथम पारी का है, आज हम उसका सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने हेतु 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो वो कार्यक्रम कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये 2012 से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना यह प्रारंभ कब से की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2014 से प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और शाख उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य केवल चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की प्रक्रिया करना और नैतिक मूल्यों को पैदा करना, जैसे कि लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा भाव इत्यादि, और इसके अलावा ग्रामीण समुदाय में सहभागिता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष संशोधित किया गया? तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान के कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, और राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 36 जिला केंद्र आते हैं, जबकि 8 उपजिला केंद्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2017 एवं 2018 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना था? तो राजस्थान में 2017 एवं 2018 में जो दालों का अनुमानित अनुपात वो 35.30 लाख टन था। कितना था? 35.30 लाख, और कुल खाद्यान्न का कितना था? 225.82 लाख टन। कितना? 225.82 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? तो महाराजा उम्मेद मिल्स 1939 में प्रारंभ की गई थी, और कहाँ पे? पाली जिले में प्रारंभ की गई थी। और राजस्थान की जो प्रथम मिल है, जिसका क्या नाम है? द कृष्णा मिल्स, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में, और इसकी स्थापना बयावर अजमेर में की गई थी। और इसके अलावा 1974 में इन मिलों को क्या है? स्वराजिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलाया गया था। तो 1974 में तीन मिलों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलाया गया था। वो कौन कौन सी मिलें थी? दी एडवर्ड मिल्स, नंबर 2 श्री महालक्ष्मी मिल्स, नंबर 3 श्री विजय कॉटन मिल्स। इन तीनों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में कब मिलाया गया था? 1974 में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम रख दिया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 एवं 1974 में प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो हिस्सेदारी है वो सेंटर की तो कितनी है? 50%, और स्टेट की कितनी है? 50-50%। और जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, यह राजस्थान के 11 जिलों में प्रारंभ है। कितने जिलों में प्रारंभ है? राजस्थान के 11 जिलों में। और इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है? तो राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक किस किस का है? जैसे कि जैस्पर, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट का। किस किस का है? जैस्पर, सीसा, जस्ता और
वोरेनस्टाइन का। इसमें राजस्थान का क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य माना जाता है जहां पर 100% इनका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लघु उपक्रम के लिए प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो लघु उपक्रम में प्लांट एवं मशीनरी में जो निवेश की सीमा है 10 लाख से 2 करोड़ तक। कितनी है? 10 लाख से लघु उपक्रम के लिए तो 10, और मशीनरी निवेश के लिए 2 करोड़ रुपए तक इसकी सीमा रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो राजस्थान सरकार ने भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना और व्यास परियोजना, इन तीनों के साथ क्या है, सहभागिता प्रारंभ की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। भाखड़ा नांगल परियोजना में जो राजस्थान को जो बिजली मिलती है वो कितनी मिलती है, 227 मेगावाट, और भाखड़ा नांगल परियोजना में जो कुल बिजली का उत्पादन होता है वो कितना होता है, 1493 मेगावाट, और राजस्थान को कितनी मिलती है, 227 मेगावाट। इसके अलावा व्यास परियोजना, तो व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों की है, और इसमें राजस्थान का जो बिजली का हिस्सा वो कितना है, 477 मेगावाट। कितना है, 477 मेगावाट राजस्थान को बिजली मिलती है। यदि हम चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना राजस्थान एवं MP, इन दोनों राज्यों की है। इसमें 50% तो बिजली का उत्पादन MP और 50% राजस्थान। तो इसमें राजस्थान को जो हिस्सा कितना है, 193 मेगावाट, और 193 मेगावाट ही MP को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन करना, इनका यह प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों में वित्तीय अंश का अनुपात कितना है? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम में 75% तो केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार कितना देगी, 25%। और जो ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई वो 1977 से 78 के मध्य हुई थी, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 16 जिले आते हैं, जिसमें पश्चिमी जिले और दक्षिण के इसमें केवल 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। ये 3 जिले मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण के जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर की परंपरागत शिल्प कौन सी है? तो ब्लू पोटरी, और ब्लू पोटरी संबंधित व्यक्तित्व कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की थी? तो राजस्थान में भामाशाह योजना 2008 से प्रारंभ की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन, तो आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का राजा वहां पर कौन था, हनुमंत सिंह था। कौन था, हनुमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव? तो सबसे पहले मराठी भाषा कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है, और इस मराठी भाषा का जो प्रभाव है वो राजस्थान की मालवी भाषा पर पड़ता है। कौन सी भाषा पर, मालवी भाषा पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव या राजवंश से संबंधित है? तो यादव राजवंश से संबंधित भाटी राजवंश है, भाटी कहाँ पे, जो जैसलमेर में, और यादवों ने जैसलमेर एवं करौली इन दो स्थानों पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है?
तो अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज है और अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दिवेर का युद्ध को कहा, और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित प्रताप नामक समाचार पत्र से किया, और बिजोलिया किसान आंदोलन ये 1897 से लेकर 1942 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 23 सम्मिलित करना है, तो नेज्जा बिल्लों का नृत्य है, इंडोनी ये कालबेलियों से, और तेरा ताली कामड़ जनजाति से, और वालर नृत्य है ये ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ, तो निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद में, और निम्बारक संप्रदाय की पीठ का संस्थापक कौन है? परशुराम जी हैं। और जो ये निम्बारक संप्रदाय है ये रूपनगढ़ नदी के किनारे पे पड़ता है, और निम्बार्क संप्रदाय का जो मेला लगता है वो कब लगता है? राधाष्टमी यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। झेला जमेला पिपल पत्रा अंगोटिया ये सब आभूषण कान के आभूषण है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था खैर के वृक्ष से निकाला जाता है। राजस्थान में 2011 में जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है? तो देखो इसमें सबसे नंबर एक पर है मीणा, नंबर दो पर भील, नंबर तीन पर ग्रासिया, और नंबर चार पे सहरिया। तो किसने क्या पूछा कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान कौन सा है? तो भीलू का, और नंबर फर्स्ट पूछे तो मीणा। इधर से पूछे कि राजस्थान में जनजातियों का कुल कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 13.48% राजस्थान में निवास करती है। और करंट का क्वेश्चन जो कि 2017 एवं 18 से संबंधित है कि राजस्थान में तीन जिलों को पूर्ण अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिले घोषित किए गए हैं, और इनको पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। तो कौन कौन से जिले हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पशु उत्पादकों में से कौन सा एक राजस्थान का पशु उत्पाद है? तो दूध यानी राजस्थान का दूध उत्पादन में मुख्य स्थान है। इसके अलावा अंडों में राजस्थान का 14वां स्थान है, और मांस में 12वां स्थान है, और दुग्ध हेतु एक योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। तो आपसे पूछ ले कि अन्नपूर्णा दुग्ध योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2 जुलाई 2018 से। कब से? 2 जुलाई 2018 से जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना की। राजस्थान के थार मरुस्थलों में द्वेश्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालों का स्तूप पाए जाते हैं? तो राजस्थान के जो थार मरुस्थल में जो द्वेश्वती नदी बहती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? घग्गर नदी। ये पैराबोलिक बालू स्तूपों में बहती है। यदि आपसे पूछ ले कि पैराबोलिक स्तूप राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजस्थान में जो पैराबोलिक बालू स्तूप हैं ये हमारे पूरे राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा को पूछे कि तारा बालू स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो तारा बालू स्तूप राजस्थान के केवल दो जिलों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर एक गंगानगर और नंबर दो जैसलमेर। और ये गंगानगर के केवल सूरतगढ़ में और जैसलमेर के मोहनगढ़ में, केवल इन दो स्थानों पर ही तारा बालू स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कि रेखीय या पवनावर्ती बालू स्तूप, तो रेखीय या पवनावर्ती बालू स्तूप ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा
बरखान जो बालू स्तूप हैं ये हमारे शेखावटी क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बड़े बालू के स्तूप कौन से पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़े बालू स्तूप तो वो कौन से हैं, अनुधैर्य या फिर आप बोल दो रेखीय या पवनावृत्ति, ये राजस्थान के सबसे बड़े बालू स्तूप हैं। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे छोटे बालू स्तूप कौन से हैं तो इसको बोलते हैं सबर काफीब। कौन से हैं, सबर काफीब, ये राजस्थान के सबसे छोटे हैं बालू स्तूप हैं। सीसे दस्ते का एक्स, तो सीसे दस्ते का एक्स हेमेटाइड नहीं है क्योंकि हेमेटाइड ही है लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सांख्यिकी एबरट्रेक्स 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। तो इसमें 15 राज्य आते हैं, कितने राज्य आते हैं, 15 राज्य आते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, तो राजस्थान सरकार द्वारा मुकुंदरा हिल्स जो कि यहाँ पे पड़ता है कोटा में, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, तो 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जबकि आपसे ये पूछ ले कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो मुकुंदरा हिल्स को बाघ परियोजना के अंतर्गत 10 अप्रैल 2013 को प्रारंभ किया गया था। अब आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम कौन सा है, रणथंबोर, स्थापना 1980 में। नंबर 2 राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, स्थापना 1981 में। और नंबर 3 मुकुंदरा, जिसका दूसरा नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, भूगर्भ जल सर्वेक्षण 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्नलिखित में दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं है, तो इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के जो 4 जिले आते हैं इसमें उदयपुर जिला शामिल नहीं है। कौन सा जिला शामिल नहीं है, उदयपुर जिला इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, तो वृक्ष महोत्सव खेजड़ली ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है। कब, 12 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो सांगवान के वन पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछे कि सांगवान के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सांगवान के वन तो बांसवाड़ा में, साल के वृक्ष उदयपुर में, और पलाश के वृक्ष राजसमंद में पाए जाते हैं। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध सूर्य से संबंधित है। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये टाटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए किस आधार वर्ष को बन गया, तो राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक वो 1999 एवं 2000 को माना गया है, जबकि केंद्र सरकार का जो मूल्य सूचकांक माना गया है वो क्या है, 2011 एवं 12 माना गया है। निम्नलिखित में से किस में अविक का कवच बीमा योजना प्रभावी है, तो अविक का कवच बीमा योजना यह है भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित बीमा योजना है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया, तो ये पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। कब दिया गया, 2018 में। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है, तो
अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के अंतर्गत 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देव नारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया था? तो इसका शिलान्यास वसुंधरा राजे के द्वारा भीलवाड़ा जिले में प्रारंभ किया गया था। भारत का प्रथम डिजिटल अखबार राजस्थान के बीकानेर शहर में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में रहा, ये किस फसल से हानिकारक है? तो ये कपास के फसल से संबंधित रोग है। दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल लागू हुआ? तो BS6 दिल्ली में 2018 से प्रारंभ कर दिया गया था। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो भारत का जो प्रथम स्किल विश्वविद्यालय, ये राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर जिले में किया गया। कहाँ पे किया गया था? अजमेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 48, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितना राशि प्रदान की जाती है? तो इसके अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है 4 किस्तों में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? तो उसका नाम है ओम प्रकाश गालव। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो मोर का प्रतीक भीलवाड़ा, और दूसरे जिले का खरगोश, अजमेर का खड़मोर, और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। देखो, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, और दोसा का खरगोश। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।